क्या आप भी कच्चा प्याज खाते हैं? यदि नहीं खाते हैं तो आज के बाद जरूर खाएंगे। प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू तो आते होंगे, लेकिन इसको खाने के फायदे भी बहुत हैं। चाहे कच्चा हो या पका हुआ प्याज, दोनों ही फॉर्म में सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। लेकिन कच्चा प्याज खाने के ज़्यादा फायदे हैं। सिर्फ कच्चा प्याज खाने से ही आप कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डाइजेशन में मदद करता है। कच्चा प्याज डाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। कच्चे प्याज में फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिससे आपके पेट के अंदर का चिपका हुआ खाना भी पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। कच्चे प्याज को खाने से पेट की सफाई हो जाती है, जिससे कब्ज दूर होता है। जो लोग सुबह एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते, उन्हें रात के खाने में कच्चे प्याज का सैलेड खाना चाहिए। ये नुस्खा कब्ज को दूर करने में काफ़ी लाभदायक साबित होता है। ब्लीडिंग की समस्या से छुटकारा। अक्सर गर्मियों में लोगों को गर्म हवा यानी लू का सामना करना पड़ता है, और यही कारण बन जाता है नाक से खून आने का, जिसे आम भाषा में नकसीर फूटना भी कहते हैं। गर्मियों में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हर दिन अच्छे से कच्चा प्याज खाएं, जिससे ना तो आपको लू लगेगी और ना ही आपकी नकसीर फूटेगी। यही नहीं, यदि आपके दांतों से भी खून निकलता है तो आप कच्चे प्याज को गर्म करके अपने दांतों के नीचे 3 से 4 मिनट दबाकर रखें। इससे आपको जल्दी फर्क लगेगा। गले की खराश मिटाए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका गला अक्सर खराब रहता है, या फिर सर्दी खांसी जुखाम से परेशान रहते हैं, तो जान लीजिए ये आसान सा नुस्खा। आपको कच्चे प्याज का रस निकालना होगा। इस रस को आप शहद में मिलाकर दिन में 2 बार लें और लगातार 1 हफ्ते तक लें। इससे ना ही आपके गले में खराश रहेगी और साथ ही सर्दी जुखाम से भी छुटकारा मिलेगा। कैंसर सेल्स को रोकें। कच्चे प्याज में सल्फर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता। कैंसर पेशेंट को प्याज खाने से उसके ट्रीटमेंट में बहुत मदद मिलती है। अगर आप शुरू से ही कच्चे प्याज खाते आ रहे हैं तो पेट, ब्रेस्ट, फेफड़े और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी कम रहता है। यूरिन से जुड़ी बीमारियां भी कच्चा प्याज खाने से ठीक हो जाती हैं। एनीमिया से बचाए। कच्चा प्याज आपको एनीमिया से भी बचा सकता है। प्याज को काटने से आंखों में आंसू आने का कारण होता है उसमें पाया जाने वाला सल्फर, जो नाक के जरिए शरीर में एंटर करता है। सल्फर में एक तेल पाया जाता है जो एनीमिया से आपके शरीर को बचाने में मदद करता है, और अगर आप एनीमिया से पीड़ित हो गए हैं तो उसे ठीक करने में सहायक साबित होता है। जब आप प्याज को खाने में पकाकर खाते हैं तो ये सल्फर नष्ट हो जाता है, इसलिए सल्फर की प्राप्ति के लिए आप कच्चे प्याज जरूर खाएं। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है और आप उसको कम करने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको ज़रूरत है प्याज खाने की। कच्चे प्याज में एमिनो एसिड और मिथाइल सल्फाइड पाया जाता है। ये सभी तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो कच्चे प्याज खाने से आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। दिल के लिए फायदेमंद। कच्चा प्याज आपके दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कच्चा प्याज बहुत ही मददगार साबित होता है। ये बंद खून की धमनियों को खोलने में मदद करता है, जिससे आपको दिल की बीमारी होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि प्याज न खाने वालों की तुलना में प्याज खाने वालों की सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो कच्चे प्याज खाने से आपके शरीर में इंसुलिन पैदा होता है, इसलिए कच्चा प्याज डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है। कुछ लोग कच्चे प्याज इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि उन्हें इसका टेस्ट पसंद नहीं होता,
तो उन लोगों के लिए एक आसान सा टिप है, आप कच्चे प्याज की हेल्दी चटनी भी बनाकर खा सकते हैं, जिसमें तेल और मसाले बहुत ही कम हों। तो जैसे भी खाइए, कच्चे प्याज जरूर खाइए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।